अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज शरीफ का हत्या के इज्जत का दावा, इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार, डेडलॉक बरकरार। असद कैसर का कहना है कि इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि मैं बतौर स्पीकर सबके लिए साझा हूँ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही ख़त्म करे। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहशतगर्दी तर्क करके तनाज़ कश्मीर हल करे तो मुज़ाकरात मुमकिन हैं। कामयाब सिफारतकारी के 22 पाकिस्तान फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। मैं दोबारा इक्तदार में आया तो सबसे पहले कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा। इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ताकतवर हल्के कानून से बालातर हो जाएं तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने भी इमरान खान की हत्या के इज्जत दावे में दिफा का हक खत्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत दावे में इमरान खान का दिफा का हक खत्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने भी इमरान खान के हत्या के इज्जत दावे में दिफा का हक खत्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वाजह रहे कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर रिश्वत की ऑफर का इल्जाम लगाया था। दौरान समा शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रिमदे ने दलाइल मुकम्मल किए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि 23 तारीखों में से 10 हमारी तरफ से थी, 7 मुखालिफ फरीक ने दी। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप यही लिख कर दे देते कि सवाल मुतालिका नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमने यही किया था कि सवाल मुतालिका नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान की अपील खारिज कर दी। वाजह रहे कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था और शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर जाने का दावा दायर कर रखा है। जवाब दाखिल ना करने पर सेशन अदालत ने इमरान खान का हक दिफा ख़त्म कर दिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पीटीआई वफ्त और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीटीआई वफ्त और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया, जबकि तहरीके इंसाफ की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा किया गया। पीटीआई अराकीन ने ऐवान में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत करते हुए कहा है कि अक्सरियती आवामी मैंडेट
सिर्फ पीटीआई के पास है, मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं जो कासिम सूरी मंजूर कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि जिस तरह 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए इसी तरह बाकी अरकान के भी मंजूर करें। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ सारे एमएनईज खड़े थे, जो फ्लोर पर आकर बात करता है उनके इस्तीफे मंजूर होते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि जावेद हाशमी केस में भी यही हुआ था, ये अब सब कुछ रोक रहे हैं और इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने 127 इस्तीफे मंजूर किए, नए स्पीकर ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। 127 इस्तीफों को रोका और 11 के मंजूर कर लिए। हमारा बुनियादी मकसद उन इस्तीफों को मंजूर कराना है। आज हालात ये हैं कि हर जगह दहशतगर्दी हो रही है, ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मैंने पीटीआई अरकान को यकीन दहानी कराई है कि आप पार्लियामेंट में आए, आपको बात पूरी करने का मौका दूंगा। इस्तीफे मंजूर करना बहुत मुश्किल काम होता है, लाखों अफराद ने वोट देकर आपको मुंतखब किया है, जिनके इस्तीफे मंजूर किए उनके ट्विटर और मीडिया पर बयानात देखकर किए, मैं बतौर स्पीकर सबके लिए साझा हूँ। राजा परवेज अशरफ का मजीद कहना था कि हमें बतौर अरकान ऐवान में आकर मुश्किलात का हल बताना चाहिए, मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है, मुखासमत की नहीं। तहरीक इंसाफ पार्टी क़यादत से मशावरत करके जवाब देगी। वफ में से किसी ने नहीं कहा कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लें, इकट्ठे आने पर एक दूसरे पर दबाव होता है, मैंने इनफरादी हैसियत में इस्तीफ़ों की तस्दीक करनी है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्ते वार मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है, भारत से मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही ख़त्म करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि 2022 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से अहम रहा है। यूएनओ एससीओ आईसी के सेक्रेटरी जनरल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है, भारत से मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही ख़त्म करे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुजीर है, पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा ने मुख्तलिफ फोरम्स पर अफगान हुक्काम से मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक्टूबर में पाकिस्तान को फिटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया। वजीर आजम और वजीर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, जबकि तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ, पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 9 जनवरी को जनेवा में सैलाब और मौसमियाती तब्दीली पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। अहम ममालिक के सरबराहान और यूएन सेक्रेटरी जनरल जनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी, ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी, ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तुर्किया के दानिश्वरों और तलबा से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पर्दे के मामले पर आलमी इज्तिहाद की कमी है। इस्लाम में पर्दे का मकसद ख़ानदानी निज़ाम को बचाना था, ख़वातीन को दबाने के लिए नहीं था। इस्लाम में मर्दों को औरतों पर बरतरी हासिल नहीं है, हम भूल जाते हैं मगरब में ख्वातीन को हुकूक मिलने से कहीं पहले इस्लाम ने ख्वातीन को हुकूक दिए। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि निचली सतह पर करप्शन का खात्मा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने से किया जा सकता है, इखलाकियात ही ईमानदारी सिखाती है।
इमरान खान ने कहा कि जहां कानून की अमलदारी हो वहां गुर्बत खत्म होती है। नाइजीरिया की मिसाल ले लें, तेल से माला माल है लेकिन कानून की अमलदारी नहीं। कानून की अमलदारी ना होने की वजह से नाइजीरिया दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि इंसाफ कानून की अमलदारी के ना होने की सबसे बड़ी अलामत इदारा जाती और अमीरों की करप्शन है। जब ताकतवर हल्के कानून से बालातर हो जाए तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। मैं दोबारा इक्तदार में आया तो सबसे पहले कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।